जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी पर आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। और आपको PDF और स्टडी मटेरियल पाने के लिए करना क्या है, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रेड और टेलीग्राम ग्रुप जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स की नित्य नई नई वीडियो रोज अपलोड होती है, डेली अपडेट किया जाता है करंट अफेयर्स। हाल ही में किस अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, एक चीज बताना कि जिसे गोल्डन ड्रैगन अवार्ड सम्मानित किया जाएगा जैसे, उसे कुछ ना कुछ सिद्धि तो जरूर होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा जरूर होगी, कुछ ना कुछ सिद्धि जरूर होगी। तो किसे किया जाएगा? वो किया जाएगा सिद्दीकी, सिद्धि से बना सिद्दीकी। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा जगत से मैं उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाल ही में भारत के किस ओलंपिक खिलाड़ी को राजदूत समूह में शामिल करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, एक चीज बताना कि जब किसी को राजदूत समूह में शामिल किया जाएगा तो वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो काम करेंगी, इसलिए तो शामिल किया जा रहा है ना। तो किसे किया गया है? मेरी काम, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगी, अब काम करेंगी। तो राजदूत समूह में इन्हें शामिल किया गया है, ऐसे आपको याद भी करना है। और एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन मेरी काम को ओलंपिक 2020 में राजदूत समूह में शामिल करने की घोषणा की गई है। मेरी काम इस समूह में भारतीय मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, राजदूत समूह में ओलंपिक 2020 में राजदूत समूह में शामिल की गई है वो कौन है? मेरी काम, जो कि क्या करेंगी, काम करेंगी, इसलिए इन्हें शामिल किया गया है, ऐसे याद भी रखना है। निम्न में से किस राज्य ने वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया है केरल राज्य, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, केरला, केरला भी बोलते हैं, केरला बोलते कि नहीं, केरला या करेला, करेला एक सब्जी का नाम होता है जिसका आयुर्वेद में भी उपयोग किया जाता है। वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? केरला में होगा 2019 का, इसलिए हमें याद रखना है केरल में, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्या है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने राज्य में वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया और इस शिखर सम्मेलन में सार्क, GCC और 400 से अधिक अफ्रीकी देशों के उद्योग नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये चीज याद रखनी है हमें, वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो केरल में आयोजित हो रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, यूनेस्को की UCCN सूची में हाल ही में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किस शहर को किया गया है दोस्तों? वो किया गया हैदराबाद, बाद में ही सही, पाक कला में शामिल तो किया गया, तो बाद आया शब्द तो कौन सा किया जाएगा? हैदराबाद, यूनेस्को की UCCN सूची में इसे शामिल किया गया है, ठीक है, ऐसे हमें याद भी रखते जाना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि UCCN अथवा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में मुंबई को फिल्मों के क्रिएटिव शहर का सदस्य घोषित किया गया। इसी प्रकार हैदराबाद को बिरयानी और अन्य स्वादिष्ट पकवानों के लिए व्यंजनों, पाक कला की श्रेणी में क्रिएटिव शहर के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को में ने UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है ना, इसका ये फुल फॉर्म है, सूची में दोनों शहरों को दुनिया भर के 64 अन्य शहरों सहित इस सूची में जोड़ा है। अब इस सूची में कुल 246 शहर जुड़ चुके हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है।
इतनी सारी जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो किस शहर में किया गया है, वो किया गया है दिल्ली में, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो दिल का दौरा पड़ता है वो स्वास्थ्य का जो आपातकाल होता है, स्वास्थ्य के खराब होने से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है, तो स्वास्थ्य का आपातकाल कहाँ लगा है, दिल्ली में लगा है, दिल्ली में है ना। तो ऐसे हमें याद भी रखते जाना है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण EPCE ने दिल्ली NCR क्षेत्र में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। EPCE ने घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी 5 नवंबर तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई स्थानों पर 500 पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित EPCE पैनल ने दिल्ली NCR में जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है तो वो कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया। अभी तक आप 4G सुनते होंगे, अब 5G नेटवर्क लॉन्च किया है, किस देश ने किया है, तो वो किया है चीन या चाइना ने, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि हमारे भारत में कब लॉन्च किया जाएगा। तो चीन ने 50 शहरों में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। इन शहरों में बीजिंग, शंघाई, शेंजोन आदि शामिल हैं। चीन ने 3 सरकारी कंपनियों चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम द्वारा देश में 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। भारत में 5G नेटवर्क वर्ष 2020 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। तो भारत में 2020 तक और चाइना में ये लॉन्च किया गया है 5G नेटवर्क। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश ने हाल ही में 5G नेटवर्क लॉन्च किया है, तो वो चाइना ने किया है। और चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनावों को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की गई है, तो एक की गई है दोस्तों 5, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होना है वो कितने चरणों में होना है, 5 चरणों में होना है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 राज्य के 81 निर्वाचन क्षेत्रों में, यहाँ 81 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 30 नवंबर से 5 चरणों में यहाँ पर चुनाव होगा। मतगणना 23 दिसंबर 2019 को होगी। जनवरी 2019 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में 2.265 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1.187 करोड़ पुरुष मतदाता और 1.080 करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि 40,336 सेवारत मतदाता हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ने कुल 90 में से 19 जिलों को माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना है और इसमें से 13 जिलों को सबसे अधिक प्रभावित घोषित किया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य में या झारखंड राज्य में कितने चरणों में जो है विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, तो वो होने हैं 5। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं? तो किस देश में आए हैं आपको पता होगा, तो वो आए हैं चाइना, यानी कि चीन में आए हैं। फाइबर स्वाइन अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। और अभी हमने पढ़ा कि 5G जो नेटवर्क है लॉन्च किया है वो चीन ने किया है, और चीन अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले में भी सामने आया है। तो ये दोनों दो चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चीन विश्व का सबसे बड़ा स्वाइन उत्पादक देश है, जहां कुछ समय पूर्व अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। यह सबसे पहले 1920 में अफ्रीका में पाया गया था, इसलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर रखा गया। इसका कोई इलाज न होने के कारण इससे ग्रसित होने वाले पशुओं की मृत्यु दर 100% मानी जाती है। अब तक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप पर इसके मामले देखे जा चुके हैं। तो फिलहाल जो करंट में है वो क्या है कि चाइना में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है? तो वो कंपनी है कौन सी, गूगल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण
तथ्यों को हम जानेंगे कि स्मार्ट वियरेबल निर्माता फिटबिट को गूगल ने 2.1 अरब डॉलर 14,846 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है। फिटबिट ने पहली बार 2017 में स्मार्ट वॉच पेश की थी। फिटबिट के को फाउंडर कौन है? सीईओ जेम्स पार्क हैं, ठीक है। और इस समझौते से गूगल ने वियरेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा। ऐसा सर्वश्रेष्ठ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल को एक साथ लाने में मदद करेगा। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया? तो वो किया है गूगल ने, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने हस्ताक्षर किए हैं, कितने समझौतों पर? तो वो किए हैं 17, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। विस्तृत वर्णन कुछ हम जान लेते हैं इसके बारे में। एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हैं, उन्होंने 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने प्रवास, आयुर्वेद और योग, व्यावसायिक रोगों, समुद्री प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सहित 17 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने 5 संयुक्त घोषणा पत्रों का भी आदान प्रदान किया, जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग, हरित शहरी विकास के लिए साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और समुद्री कूड़े के निपटान के लिए सहयोग शामिल है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल और भारत के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो है 17। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है संजीव नंदन को, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सफेद सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो सफेद सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो वो किया है रूस ने। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और रूस हमारा मित्र रहा है, हमारे देश भारत का मित्र रहा है, रूस के बारे में सभी लोग जानते हैं। और इसने सफेद सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का जो है क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने सफेद सागर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो आपको रूस बताना है। हाल ही में रूस के कैन्याज व्लादिमीर सबमरीन ने दुनिया की सबसे आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल है ना, बुलाव इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफेद सागर में किया है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यहां से लग जाती है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, कि साद हरीरी जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आपको ये 4 विकल्प में से कमेंट में उत्तर बताना है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में उत्तर सही बताए हैं दोस्तों। अब हम सभी के कमेंट हर वीडियो में शामिल करेंगे, तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर जरूर बताएं। हर वीडियो में के लास्ट में सभी के कमेंट शामिल होंगे और आपको कमेंट में ये प्रश्न है जो आपको उसका उत्तर कमेंट में लिखना है, ठीक है। और सभी मित्र फेसबुक पेज से जुड़ जाएं, आईएएस स्टडी ट्रैक, और आईएएस स्टडी ट्रैक आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में, तो वहां पर भी आपको ज्वाइन हो जाना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में सभी लोगों के कमेंट शामिल किए जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी लोग अपने उत्तर बताने का प्रयास करें जिनसे भी बनता है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ज्यादा से ज्यादा करना है। जय हिंद।